नमस्कार मैं अमरजोत सिंह बोल रहा हूं आज जुलाई छह तारीख है और मेरे साथ जुड़ चुकी हैं दिल्ली से पूरा नाम बताएं अपना सौम्या धवन सर हाँ सौम्या धवन सौम्या धवन क्या करते हैं दिल्ली में कहाँ रहते हैं पहले इसके बारे में बताएं आ, सर मैं गाजियाबाद रहती हूं और एक्चुअली uh, मेरे को मैं ट्रेनर हूँ uh, एक अकेडमी में सो so, एज हम लोग मैं ए, एक दिन ऐसी जस्ट जस फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी आई गॉट दिस ऑफर तो आई थॉट ऑफ बिकॉज़ मैं आपके यूट्यूब वीडियोस फॉलो करती रहती हूँ सो आई थॉट ऑफ आई मीन रेफरिंग इट विद यू कि एक बारी कंफर्म कर लेते हैं कि ये सही है या नहीं है उसके बारे में हम बात करते हैं किस चीज की ट्रेनिंग देते हैं आप मैं सर इंग्लिश कम्युनिकेशन uh, ट्रेनर हूं सर मतलब के किसी कॉल सेंटर में या आईएलटीएस नहीं, नहीं, नहीं। सेंटर नहीं? Uh, नहीं नहीं सर ये ट्रेनिंग सेंटर है सो यहाँ पे कम्युनिकेशन जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स और स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग ना okay. उसका होता है आइल्स का आई एम अ फ्रीलांसर ट्रेनर नॉट ओके एंड लेट फाइंड आउट व्हाट इज द डॉक्यूमेंट यू गॉट आपको कहीं से जॉब ऑफर मिला और डॉक्यूमेंट मेरे को भेजा देख पा रहे पहली बात तो ये समझे कि कोई इंसान आपको जॉब ऑफर दे रहा है अगर मेरे को दिल्ली में नौकरी चाहिए होती है तो मैं एक प्रॉपर कंपनी पे अप्लाई करता हूँ फेसबुक पे या ट्विटर पे या यूट्यूब पे हाँ, या गुगर हाँ। पे ऐसे तो अप्लाई करता नहीं होता है अगर मैं चपरासी का भी अगर अप्लाई करूं, तो कोई कोई शिनाख्त या कुछ ना कुछ चीज तो होती होगी लेकिन मजे की बात यह है कि ये जॉब अप्लाई हो रहा है कौन कर रहा है कैसे कर रहा है आप कर रहे हैं कि वो अपने आप दे रहे हैं वो सीधे कैनेडा का जॉब ऑफर दे रहे हैं और बगैर किसी असेसमेंट के आपको एक जॉब ऑफर दे रहे हैं और बिल्कुल और उन चोरों ने क्या किया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा की एक एक गूगल से कोई इमेज लाकर टाइप कर दी है और लैरी शेफर जूनियर सिटीजन ऑफ कनाडा इतना अनाप शनाप निकल निक, लिखा हुआ है कि मेरे को तो अब हंसी भी नहीं आ रही कि मैं क्या करूं और इधर-उधर की बातें लिखी हैं क्लीन हाउसेस अ हाउसकीपर तो ये yeah. जो, जो ये जो जॉब ऑफर पहले मैं इसको मैं कैंसिल कर दूं पीछे कोई कॉल कर रहा है अगर ये ये जो जॉब ऑफर जो दिया है किसी ने तो ये, ये तो मतलब कि साफ सफाई का है आप तो पढ़ी लिखी हैं आप साफ सफाई के लिए जॉब के लिए आपने इसको देखा भी क्यों आपने क्या देखा 3000 नहीं नहीं सर एक्चुअली एक्चुअली इट वाज नॉट अबाउट दैट उसमें जो एक कंसल्टेंसी के थ्रू आई गॉट दिस एंड उन्होंने बोला था इट वॉज अ इट वॉज नॉट एग्जैक्टली अ स्वीपिंग एंड ऑल जॉब इट वॉज अबाउट द केयर टेकिंग ऑफ वन ओल्ड लेडी सो आई मीन ही सेड देर इज नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड एंड जस्ट यू हैव टू टेक केयर बिकॉज यू क्वालिफाइड इनफ एंड आई नीड समवन जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज हो

क्योंकि ये सब में कुछ नहीं निकला और इस आ, मेरे को बड़ी तकलीफ होती है एक्चुअली किसी को भी जॉब ऑफर गलत मिले तो तकलीफ तो होती है लेकिन स्पेशली जो दिल्ली वालों को अगर लोग बेफू बनाने की कोशिश करते हैं तो मेरे को ज्यादा गुस्सा भी आता है जी 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 हाँ तो ये सब बेकार है इसको छोड़े इसमें सर, कुछ निकलने वाला नहीं है कुछ और अगर लीगल कोई ऑप्शन दिखना है तो वो देखें आपको परफेक्ट सर बस यही मेरे को कंफर्म करना था वैसे तो आइडिया था बट फिर भी मतलब योर वर्डिक वाज मोर इम्पोर्टेंट सो इसलिए वी ट्राइड इन कॉन्टेक्टिंग यू थैंक यू और दूसरी I... बात ये है कि ये जो हम yes. लोग बात करते हैं जो कई लोग मेरे को कॉल करते हैं मेरे पास कभी टाइम नहीं होता लेकिन जो बात करते हैं मेरा पर्पस टाइम निकाल के क्योंकि मेरे को देखो पीछे भी काफी कॉल्स आ रही हैं मेरे को कुछ और, और लोगों के तो इसको मैं ज़रूर दस पंद्रह मिनट या आधा घंटा भी कभी निकालता हूँ और इसको मैं बात करता हूँ जिससे कि दुनिया को मालूम पड़े कि भी कैसे फ्रॉड हो रहे हैं किस तरह के ये डॉक्यूमेंट्स पेश करते हैं हो सकता है कि किसी और, और को हो सकता है किसी और को फंसाएंगे आप आप नहीं निकले तो कोई और, और को फंसाने की कोशिश करेंगे इस करके मैं डॉक्यूमेंट्स को दिखाता हूँ यूट्यूब पे कि लोग देख के थोड़ा सा सचेत हो जाए नहीं वो तो सर है ही बिकॉज एक्चुअली अगर तो ये डायरेक्ट तो होता तो ऑब्वियसली ज्यादा होता बट आई आई मीन मेसेज फ्रॉम अ कंसल्टेंट बट देन वेन आई स्टार्ट सेंडिंग द ईमेल्स टू दिस पर्सन सो दिस पर्सन सेट कि आप पहले डॉक्यूमेंट भेजो देन वील टॉक अबाउट इट द फर्स्ट थिंग विच ही आस्क मी दैट विजा का फीस एंड एवरीथिंग यू हैव टू पे देन माई हस्बैंड वॉज लाइक बट इफ यू आर स्पॉन्सरिंग दैन यू आर सपोज टू पे फॉर इट राइट बिकॉज यू आर आस्किंग अस टू कम दैर दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं होती बिल्कुल पहली बात तो ये सोचे आप जहाँ नौकरी करती है क्या आप बगैर सैलरी के बगैर कोई इनकम के आप काम करेंगे नहीं करेंगे कोई भी नहीं करता जो भी कंसल्टेंट जो भी कंसल्टेंट ट्रैवल एजेंट मिडल मैन लॉयर जिसका जो भी उसका नाम हो कोई भी इंसान कोई भी इंसान इतना सगा नहीं है कि वो फ्री में काम करेगा अगर फ्री में काम करेगा तो अपने बाल बच्चों का पेट कैसे पालेगा अफकोर्स लीगली काम करना चाहिए मैं नहीं कह रहा हूं कि लीगल करें तो जो भी कंसल्टेंट आपको कोई जॉब ऑफर देता है उनका कहीं ना कहीं से उनमें इनका स्वार्थ निहित होता है हिंदी समझते ना आप बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सर इसमें इसमें उनका कहीं ना कहीं से स्वार्थ इसमें छुपा हुआ है निहित है और वो बताते नहीं है जो एक जो एक ईमानदारी है लोगों की वो बोले कि सामने बोले कि भाई मेरी मेरी इतनी फीस है मेरा ये काम है मैं ये ऑफर कर रहा हूँ प्रोवाइड इट इज लीगल उसके बाद फिर कोई कई लोग कहते हैं कि जी आपको ये जॉब हमने दे दी कई लोग कहते हैं जी आपका स्कूल में एडमिशन करा दिया ये नहीं बताते कि कमीशन वहां से कॉलेज से मिलनी है बिल्कु, बिल्कु, जो बता हुँ, के हुँ. कहना कुछ अलग बात है बाद में कुछ एक सीक्रेट कुछ फीस निकालानी वो अलग बात है और बाकी उनको कमीशन मिलेगी नहीं मिलेगी बाकी मैं इसके बारे में आप जो ये कंसलटेंट है ये दिल्ली में कहां ऑफिस है इनका सर इनका डेली में नहीं था सरप्राइजिंगली uh, मुझे यही बोला दैट हमारी जो कंसल्टेंसी है वो ऑन्टेरियो में है सो आई सेड हाउ डिड यू गॉट माई नंबर सो हीड दैटली वॉर स्क्रोलिंग लिंकड इन वहां से वी गॉट योर प्रोफाइल आई लाइक इफ यू गॉट नोफाइल एंड हाउ यू ऑफरिंग मी दर टेकर बट दिस लेडी इज रियली ओल्ड एंड जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ दैट आई लाइक like, चलो ठीक है लेट्स लेट्स सी व्हाट हैपेंस बिकॉज़ हमें खुद से शुरू से लग रहा था इट्स फेक बट ठीक है अभी वी वर जस्ट टेकिंग अ चांस कि लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट सो दैट इज व्हाट द थिंग वाज मतलब के मतलब के कंसलटेंट्स जो हैं जॉब सीकरस को तलाश कर रहे हैं क्लाइंट्स को तलाश कर रहे हैं कि भई कोई जॉब करने वाला मिले जो आके उसकी उसकी करे बाकी सब फेक है कहानी फेक है उसकी सब है लेकिन ये उल्ट, उल्टा उल्टा काम हो रहा है कि कोई ओंटारियो में बैठा है पता नहीं वो कहाँ हो सकता के पहाड़गंज में बैठा हो वहां से वहां से वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास हमारे पास एक नौकरी है हमें पूरी इंडिया इंडिया जैसे कंट्री में जहां पर हजारों लोगों को नौकरी चाहिए लाखों को नौकरी चाहिए उनको ढूंढ रहे हैं गली गली जाके लिंक टेन पे कि हाँ भैया तुम्हें जॉब चाहिए हाँ तुम्हें जॉब चाहिए आ जाओ भैया आ जाओ मतलब इट साउंड वेरी इज इज दैट इवन फैंटेस्टिकॉसिबल नॉट और बाकी वो लोग कौन है कहाँ बैठे हैं ये आपको कहानी बताया चलो थैंक यू वेरी मच बी बी केयरफुल थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू सो मच सर बाय बाय